लोगों में कौन बनेगा जीनियस, जीनियस स्टूडेंट? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मैं चार तारीखें बता रहा हूँ, एक तारीख सही है। विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया समझते हैं? मच्छर के काटने से बुखार आता है, मलेरिया बुखार। और कैसा बुखार होता है? सर्दी लग कर आता है और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, मलेरिया का बुखार। तो कब मनाया जाता? तो पहला है 22 अप्रैल, दूसरा है 23 अप्रैल, चौथा है 24 अप्रैल और चौथा है 25 अप्रैल। पहला 22, दूसरा 23, तीसरा 24 और चौथा 25 अप्रैल। तो किस तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, 21 मार्च। चार तारीख हैं, 22, बाईस अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। 22 अप्रैल। तो आपका जो जवाब है 22 अप्रैल, वो बिल्कुल गलत है। 25 अप्रैल। क्यों? इसका सही जवाब है 25 अप्रैल। आज ही के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, प्लाज्मोडियम परजीवी, और आरटीएस नाम का एक टीका बनाया गया है जिसकी सहमति यानी अभी बाकी है। अभी तक मलेरिया का कोई टीका ईजाद नहीं हुआ है और 100 साल पुरानी बीमारी है मलेरिया। मच्छरों से बचना है तो अपने घर के आसपास पानी ना भरने दें, कूड़े का ढेर ना लगने दें, और ज़्यादातर ये साफ पानी, मलेरिया डेंगू हुए ऐसा नहीं गंदे पानी में ही, घरों में हमारे जो कूलर हुआ या घड़े हुए या छत पे टायर पड़े हुए हैं उनमें भी ये मच्छर पनपता है। और मलेरिया मच्छर का, मलेरिया ही नहीं किसी भी प्रकार का मच्छर का सही इलाज यानी उससे कैसे बचा जा सकता, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि फुल बाहें के कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। सबसे सस्ता तरीका है मच्छरों से बचने का मच्छरदानी। बाकी आप दुनिया के लोशन, अगरबत्ती और बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, गांव में इतना सारा पैसा नहीं खर्च किया जा सकता, तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। शहरों में दवा का छिड़काव होता है, धुआं की मशीन से धुआं किया जाता है, लेकिन आपको अपने स्तर से करना है कि आसपास पानी ना भरने दें, कूड़े का ढेर ना लगने दें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो आज विश्व मलेरिया दिवस है, लोगों को जागरूक करना है कि हमें मच्छरों से कैसे बचना है।